दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त होने वाला है, 65 प्लस होने वाला है मतदान दिल्ली के अंदर। लोगों ने रुझान बना रखा है, लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान हैं वहाँ मारा मारी से कि पहली बात तो वो एक व्यापारी आदमी है, उनको आज तक अभी तक का बता रहा हूँ आपको कोई भी राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापारी है संघ से जुड़े हुए, उठा के मोदी ने खड़ा कर दिया। नमस्कार, मैं आरके जायसवाल और आप देख रहे हैं जनमत की पुकार। जिस तरीके से लोकसभा चुनाव को लेकर जगह जगह चर्चाएं हो रही है कि माहौल क्या है, वही माहौल में आज जानने आया हूं चांदनी चौक लोकसभा क्षेत्र में, और हमें मिल गए हैं राजा सैफी जी। कैसे इस चुनाव को कैसे देखते हैं सैफी साहब? पहली बात तो मैं जनमत की पुकार का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने हमें कुछ बोलने का मौका दिया। जायसवाल साहब, चुनाव को देखना क्या है, चुनाव इस तरह से देखते हैं कि अब 10 साल की सत्ता में मोदी ने जो किया है वो सब आपके सामने है, और जो वो कर रहा है कि नफरत की राजनीति, हिंदू मुस्लिम ये सब करना, ये राजनीति का अब हिस्सा नहीं रहा, क्योंकि लोग समझ चुके हैं कि अब जो है ना इस सत्ता को उखाड़ के फेंकना है। और हमारे चांदनी चौक लोकसभा से जो राहुल गांधी ने कैंडिडेट उतारे हैं, वो JP अग्रवाल जी को उतारा है जो कि 10वीं बार लोकसभा लड़ रहे हैं, और मैं चाहूँगा कि इस बार का जो पब्लिक का मूड देखा गया है वो कांग्रेस को वोट देने का है। मगर प्रवीण खंडेलवाल तो लगातार आरोप लगा रहे हैं JP अग्रवाल पे, बुजुर्ग नेता हैं, अस्वस्थ हैं, चल नहीं पाते हैं, कांग्रेस ने बुझा हुआ कारतूस को उतारा है। जायसवाल साहब, प्रवीण के बारे में बता दूं, खंडेल साहब के बारे में कि पहली बात तो वो एक व्यापारी आदमी है, उनको आज तक अभी तक का बता रहा हूँ आपको कोई भी राजनीतिक एक्सपीरियंस नहीं है, वो सिर्फ एक व्यापारी है संघ से जुड़े हुए, उठा के मोदी ने खड़ा कर दिया। अगर इतना ही अच्छा काम किया होता तो जो पिछले MP थे, क्या नाम है उनका, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको दोबारा टिकट क्यों नहीं दिया? चांदनी चौक एरिया में हर्षवर्धन जी का बिल्कुल लापता हो चुके थे, खंडेल साहब को लाए। अब रही बात उसकी कि कमजोर है, खंडेलवाल साहब कमजोर हैं, कार में चलते हैं, मैंने कल भी उनके साथ पदयात्रा की है, 10 किलोमीटर की पदयात्रा की है मैंने उनके साथ पूरे दिन में, कल संडे को हमारे पूरे चांदनी चौक, मतलब ये जो हमारा त्रिनगर विधानसभा है उसके अंदर घूमे हमारे साथ वो, और पूरे पैदल चले, वो जीप में नहीं चले, वो मजबूत आदमी हैं। खंडेलवाल साहब क्या है, वो जीप में चलते हैं, उनसे चलवा लो। मैं ये कहता हूँ अगर उनके साथ चल लेंगे साथ में तो अपना चुनाव हार जाएंगे, हाथ खड़े कर देंगे, इतने मजबूत नेता हैं हमारे ये अग्रवाल जी, और ये खंडेलवाल साहब कहते हैं कमजोर हैं। अरे भैया, कमजोरी कहाँ है, ये आप खुद डर रहे हो अभी, इसलिए अनाप शनाप बातें निकाल रहे हो। इस बार संयुक्त प्रत्याशी हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ रही है इंडिया गठबंधन के हिस्से, कितना फायदा मिलेगा आम आदमी पार्टी का इस कांग्रेस कैंडिडेट को? इंडिया गठबंधन का और कांग्रेस का मिला के जो है फायदे की, तो आपको बात बता दूं, जितनी भी हमारी जो वोटें हैं थी कांग्रेस की वो तो पढ़नी है, आम आदमी पार्टी की पढ़नी है, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो BJP भी पीछे ही है। हमने आंकड़े भी निकाल लिए है, हमें कितनी परसेंट इस बार वोटें मिली थी और कितनी परसेंट उसको आम आदमी पार्टी को मिली थी, तो लगभग जीत रहते हैं JP अग्रवाल जी का। अच्छा, इस पर देखा जा रहा है लोग मतदान करने कम लोग जा रहे हैं, कहाँ 57% होता था 46% 45% पे आगे हो रहा है, तो आप लोग कैसे देखते हैं? जसवाल साहब, मतदान तो पहले भी 50% के अंतर में रहा है, अब भी 50% अंतर में रहा है, ठीक है ना, और इस बार मतदान हमारे दिल्ली के अंदर बहुत जबरदस्त होने वाला है, 65 प्लस होने वाला है मतदान दिल्ली के अंदर। लोगों ने रुझान बना रखा है, लोग परेशान हैं बेरोजगारी से, लोग परेशान हैं वहाँ मारा मारी से कि कहाँ जाएं। दिल्ली के अंदर जो इस टाइम परेशानी है बेरोजगारी की है, आपने देखा होगा आज का बेरोजगारी का चरम जो सीमा है वो ऊपर तक पहुँची हुई है, तो ये मान के चलिएगा इस बार मतदान 65% से ऊपर होने वाला है। लोग 25 तारीख का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, और 4 जून को जब रिजल्ट आएगा वो आपके सामने होगा। अच्छा सैफी साहब, इस चुनाव में अरविंद केजरीवाल जेल में, तो उनकी कमी आप लोग कितनी खल रही है? अरविंद केजरीवाल इस चुनाव में वो प्रचार नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को जान के उस शराब नीति फंसाया गया है, और चुनाव में प्रचार ना कर सके इसीलिए उन्हें फंसाया गया है। मैं आज की आपको सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट बताता हूँ, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि इनको जमानत दे दो, तो 2 दिन बाद अरविंद केजरीवाल हमारे बीच में होंगे।
और वो पूरा प्रचार करेंगे हमारे लिए। 15 दिन रह गए चुनाव के, 15 दिन पूरा प्रचार करेंगे हमारे लिए। जसवाल साहब, मैं भी इमरान प्रतापगढ़ी जी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद है। उन्होंने बायोडाटा के लिए आग्रह किया था तो मैंने बायोडाटा भेज चुका हूँ डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए। बाकी देखो हाई कमान का जो फैसला होगा वो हमारे सर माथे है, अगर हाई कमान जो करेगा बना देगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम जो है शुरू से कांग्रेसी हैं, 35 साल से पिताजी ने हमारे कांग्रेस के लिए काम किया है, अब हम कांग्रेस के लिए संभालेंगे, कांग्रेस के लिए काम करते हैं, काम करेंगे। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।